हम लोगों ने एवरेज का टॉपिक शुरू किया हुआ था और एवरेज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा था, एवरेज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज एवरेज, एवरेज होता क्या है। तो डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला हम लोगों ने बोला था कि एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। इससे दो फॉर्मूला निकला था, पहला फॉर्मूला निकला था कि आपका सम क्या होगा, सम इज इक्वल टू एन टाइम्स एवरेज, और दूसरा निकला था नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू सम अपॉन एवरेज, ठीक। हम लोगों ने नेचुरल टर्म्स, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, मेरा सम ऑफ एन, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, आपका फॉर्मूला आता है इसका इज इक्वल टू एन वन प्लस एन डिवाइडेड बाई टू, और एवरेज का फॉर्मूला आता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू वन प्लस एन डिवाइडेड बाई टू। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछ देता क्वेश्चन नंबर वन, find the sum of first 10 natural number, ठीक है। तो पहला 10 natural number का सम क्या होगा, 1 plus 2 plus 3 plus up to कहां तक जाएंगे 10 तक, इसका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, तो 10 गुणे 1 plus 10 divided by 2, यानी 10 को 11, 5 से कट गया 55, आंसर आ जाएगा। और अगर एवरेज पूछ लेता तो एवरेज का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 प्लस एन मेरा 10 है और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5। तो ये एवरेज निकल गया और ये मेरा सम निकल गया, ओके। हम लोगों ने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑड और इवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट एन ऑड नंबर का सम क्या होगा, फर्स्ट एन इवन नंबर का सम क्या होगा और एवरेज में इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर एवरेज या सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, ठीक है। अब जनरली इसका ट्रेंड होता है, अगर आपसे पूछ ले कि सम ऑफ एन ऑड नंबर क्या होगा और एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर क्या होगा, तो एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर भी एन एन ही होगा और सम क्या आएगा इसका एन स्क्वायर, ठीक है। तो पहले एन विषम संख्या यानी ऑड संख्या का नंबर होगा एन स्क्वायर, सॉरी सम, हाँ सम एन स्क्वायर होगा और एवरेज होगा औसत होगा उसका एन। दूसरा एवरेज आ जाएगा सम संख्या यानी इवन नंबर का एवरेज आएगा मेरा एन प्लस वन, ठीक है, और आपका सम आएगा एन टाइम्स एन प्लस वन, ठीक है। तो एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर हमसे पूछ दिया क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड एंड इवन नंबर, ठीक है। तो पहले 10 ऑड और इवन नंबर का हमको एवरेज निकालना है। हमको पता था, हम लोगों को ट्रिक के थ्रू बताया कि ऑड का तो n ही है यानी n इज इक्वल टू 10 और इवन का आता है मेरा n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब ये आएगा कैसे, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग किसका निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑड का निकालते हैं। अब ऑड शुरू कहां से होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा हमको नहीं पता है, ठीक है। ये टर्म हमको ऑब्वियस नहीं पता है, लेकिन ये कौन सा टर्म होना चाहिए, टेन टर्म होना चाहिए। अब इस टर्म को निकालने के लिए हम लोग टीएन फॉर्मूला का यूज करेंगे, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 आएगा 10 टर्म है, 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस सबके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे 2 का है यानी 2 आएगा। तो 9 2 18 18 प्लस 1 19, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टर्म क्या आएगा मेरा 19 आएगा। अब जैसे आपको 10 टर्म पता चल गया 19 आ रहा है तो सम क्या आएगा मेरा, सम इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। तो n क्या है मेरा 10 है, 10 बाई 2 गुने पहला संख्या क्या है 1
आखिरी का 19, तो 19 प्लस 1 20, तो 10 गुने 10 इज इक्वल टू 100। तो सम आ गया मेरा 100 और एवरेज आना रहता है, तो इसको डिवाइड कर देते हम लोग 10 से, तो इज इक्वल टू 10। देखिए आंसर सेम टू सेम आ रहा है, 10 आ रहा है, दोनों के आंसर 10 आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग इवन भी निकाल लेते हैं, इवन भी निकल जाएगा। तो अगर इवन के बारे में पूछता है हमसे, इवन इज इक्वल टू, तो पहला 2 प्लस 4 प्लस अप टू कहां तक जाएगा, 10 टर्म तक जाएगा। अभी हमको नहीं पता है कौन सा 10 टर्म होगा, जिसका फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। पहला शुरुआत हो रहा है 2 से, 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 और d मेरा 2 आया, तो आंसर आएगा मेरा 9 टू 18 प्लस 2 20। तो यहां पे कौन सा टर्म आया, 10 टर्म मेरा 20 हुआ, और जैसे ही मेरा 10 टर्म 20 होगा तो सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l। तो n मेरा 10 बाय 2, पहला टर्म 2 है, लास्ट का टर्म 20 है, 20 यानी 10 बाय 2 गुने 22, इसको काट देंगे 11, 110। और अगर एवरेज पूछे थे आपको तो 10 ही टर्म है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना आया, 11। देखिए हम देख सकते हैं 11 आ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिक, जिसको आप ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक का यूज करके ऑलरेडी 11 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 11 आ रहा है और यहाँ पे 10 आ रहा है, तो ट्रिक का यूज करके हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया, लेकिन ट्रिक का मीनिंग होता है कि आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं कि कैसे यूज किया जा सकता है। तो अगर हमसे पूछ देगा कि फाइंड द, पहला अगर पूछ दिया कि फाइंड द सम ऑफ n फर्स्ट n, ठीक है, फर्स्ट n ऑड नंबर, इसका सम, तो सबसे पहले हमको tn टर्म निकालना है। tn टर्म क्या निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 d। अब हम जानते हैं हम कि 1 3 5 आपको कहां तक जाना है, n टर्म जाना है, तो tn टर्म कितना निकलेगा मेरे को, तो 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 2 यानी 2n माइनस 2 प्लस 1, तो 2n माइनस 1 ये क्या हो गया मेरा tn टर्म निकल गया। देखो tn टर्म इज इक्वल टू 2n माइनस 1। अब हमको सम निकालना है, तो n टर्म का सम का फॉर्मूला होता है n / 2 a प्लस l, n / 2 एज इट इज लिख देंगे, a यहां पे मेरा 1 आ रहा है, प्लस n टर्म में आ रहा है 2n माइनस 1, तो n टाइम्स 2n डिवाइडेड बाय 2 यानी सम n स्क्वायर आ गया। और जब सम n स्क्वायर आएगा तो एवरेज में आएगा सम डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n यानी n आ जाएगा, ठीक है। तो सम और एवरेज ये दोनों का आपको वैल्यू पता चल गया। इसी तरीके से हमसे पूछ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, ठीक है। सबसे पहला काम tn टर्म निकालेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब सिंस कि हम जानते हैं कि 2 4 6 इस तरीके से शुरू होगा, अब ये कौन सा टर्म होगा हमको नहीं पता, लेकिन ये n टर्म होगा, इसका वैल्यू आता है जनरल टर्म से 2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 2, 2 प्लस 2n माइनस 2। अब 2 प्लस 2n माइनस 2 करेंगे तो मेरा कितना आंसर आएगा, 2n। तो